आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि कोलाइड किस विधि से मिश्रण से पृथक किए जाते हैं। ठीक, कोलाइड जो होते हैं वो किस विधि से मिश्रण से पृथक किए जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो हम जानते हैं कि जो हमारे कोलाइड के कण होते हैं, ठीक, तो कोलाइड हमारे जो होंगे, कोलाइड, ठीक, तो कोलाइड हमारा जो है ये किस विधि से मिश्रण, कोलाइड का मिश्रण ये हमारा अपकेंद्रीकरण किसके द्वारा, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक, तो यह हमारा जो कोलाइड विलयन होते हैं इनको हम अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा ही क्यों इनको हम पृथक करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोलाइड विलयन होते हैं इनके कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक, और इनके कण छोटे होने के कारण उन्हें क्या करना पड़ता है, छानना या निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा हम उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक, कोलाइड के जो हमारे कण होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और इनको छोटे होने के कारण ही इनको हम छान कर या निस्पंदन द्वारा, ठीक, छान कर या निस्पंदन द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अतः जो हमारे कोलाइड विलयन के घटक होते हैं इनको हम अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा क्या करते हैं, पृथक करते हैं। ठीक, तो यह अपकेंद्रीकरण विधि होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, अपकेंद्रीकरण विधि। ठीक, तो अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा हम कैसे कोलाइड के कण को हम पृथक करते हैं, सॉरी कोलाइड के विलयन को। ठीक, तो अपकेंद्रीकरण विधि हमारी ऐसी तकनीक है जिसमें हम मिश्रण के ठोस तथा भारी कण, ठीक, तो भारी कण तल में क्या हो जाते हैं, बैठ जाता है। ठीक, जिसमें मिश्रण के ठोस तथा जो भारी कण होते हैं, भारी कण कहाँ पे, ये तली में बैठ जाते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो हमारे और हल्के जो घटक होते हैं, जो भारी कण या ठोस होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं, और लेकिन जो हमारे हल्के घटक होते हैं वो क्या होने लगते हैं, वह द्रव के ऊपर तैरने लगते हैं, फिर क्या होता है कि इस विधि द्वारा हम मिश्रण को एक मशीन जिसे हम अपकेंद्री यंत्र बोलते हैं, ठीक, कि क्या बोलते हैं इसको, अपकेंद्री यंत्र में हम डालते हैं। ठीक है, तो इन्हीं अपकेंद्री यंत्र को में हम जब मिश्रण को डालते हैं तो डाल करके क्या किया जाता है, इसको घुमाया जाता है। ठीक, और इससे हमारे जो भारी कण होते हैं वो अपकेंद्रीय बल इस पे कार्य करता है। ठीक, तो इसके ऊपर हमारा कौन सा बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल, जिसके कारण जो हमारा भारी कण होते हैं, ठीक है, वह केंद्र के पास तल में बैठने लगते हैं और हल्के घटक जो होते हैं वो द्रव के ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अपकेंद्रीय विधि द्वारा कोलाइड विलयन को पृथक करते हैं। ठीक, और इसका उपयोग हम अगर होता कहाँ कहाँ है अपकेंद्रीकरण का, तो इसका जो उपयोग होता है हमारा अपकेंद्रीय तकनीकी का उपयोग खून तथा मूत्र की जांच में। ठीक, उपयोग अगर हम इसका देखते हैं, इसका उपयोग खून तथा मूत्र के जांच में, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, और अब अपकेंद्रीकरण जो तकनीक होती है इसका उपयोग दूध से मक्खन तथा क्रीम को अलग करने के लिए। ठीक, कहाँ पे, दूध से मक्खन तथा क्रीम को
क्रीम को अलग करने के लिए। ठीक, तो इन सब जगहों पर जो है अब केंद्रीयकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था कि कोलाइडी जो होते विलयन या किस विधि मिश्रण को पृथक किए जाते हैं, तो यह हमारे जो हैं कोलाइड विलयन अब केंद्रीकरण विधि द्वारा इनके मिश्रण को हम पृथक करते हैं। ठीक, तो यह हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।